अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, पूरा दिल्ली घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अब आगे वीडियो में देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। हम लोग अब चले घूमने, मेट्रो स्टेशन पे आए हैं। ये अक्षत धाम मेट्रो स्टेशन है, अब यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे तब जाएंगे, देखते कहाँ जाते हैं आगे, आगे पता चल जाएगा आप लोग। देखिए वहाँ पे अक्षत धाम, अक्षत धाम में फोन अलाउ नहीं है, इसलिए हम अक्षत धाम मेट्रो स्टेशन पे से हम आपको उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा, कितना दूर में फैला हुआ है मंदिर अक्षत धाम का। देखिए ये है इसका मेन मंदिर, इसका ये है मेन मंदिर। देखिए कितना दूर में फैला हुआ है अक्षत धाम का मंदिर। जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आपको आगे बताएंगे। चांदनी चौक में हम लोग उतरे मेट्रो स्टेशन से, गुरुद्वारा अब आए हैं, फर्स्ट गुरुद्वारा आए हैं। हम लोग लाल किला की ओर जा रहे हैं, देखिए दूर से दिख रहा है लाल किला। ये देखिए चर्च है गुरुद्वारा के बाद, और ये वह लाल किला, लाल किला से पहले, और इधर देखिए ये इधर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के बाद बीच में चर्च है। अब हम लोग आगे चलेंगे, लाल किला बहुत ज़्यादा नज़दीक है, दिख ही रहा होगा आप लोग को, मतलब यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फर्स्ट बार आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए चांदनी चौक बहुत ही फेमस है, हाँ देखिए लाल किला और एकदम जस्ट सटा हुआ इधर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर। कितना मंदिर भी कितना सुंदर दिखने में लग रहा है सामने से। साइड वाला कौन है मंदिर? दिगंबर। देखिए कितना सुंदर दिगंबर मंदिर, बगल में जस्ट सटा हुआ दिगंबर मंदिर है। दिगंबर जैन साहित्य सदन। अच्छा अच्छा देखिए जो मंदिर है बगल में जस्ट सटा हुआ दिगंबर जैन लाल मंदिर है। देखिए हम लोग अब लाल किला के पर बहुत नजदीक आ चुके हैं। घूमने से पहले ही खीरा हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा धूप में आए हैं, परेशानी हो गया। इधर देखिए लाल किला है, पहले खा लेंगे उसके बाद घूमेंगे। दिखाएंगे आपको अंदर का व्यू। ये रहा देखिए लाल किला, जहाँ पे मुगल राज करते थे, यहीं से बैठ के मुगल शासन चलाते थे। नज़दीक जा रहे हैं हम लोग लाल किला के नज़दीक। लाल किला के चारों तरफ ये ऐसा डैम बना हुआ था, इसमें पूरा पानी भरा रहता था ताकि शत्रु लोग लाल किला पे आक्रमण करने से पहले ये नदी पार किया जाए। देखिए चारों तरफ से इसमें पानी भरा रहता था, इस डैम में लाल किला के चारों तरफ है, ये लाल किला है। ऐसा डैम लाल किला के चारों तरफ बना हुआ है।
ये लाल किला के अंदर जाने का गेट है, मेन गेट। मेन गेट अंदर जाने का, तो अंदर जाने के लिए इनका टिकट लगता है, तो पहले हम लोग टिकट कटाएंगे तब अंदर जाएंगे। बाहर से देखिए कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है आप लोग को, पता नहीं उस टाइम के लोग ऐसा डिजाइन कैसे कर लेते थे, कितना पुराना है। हम लोग देखिए जाएं उधर टिकट लेने के लिए, उधर टिकट मिलती है। मेरा किस्मत ही ख़राब है, गई टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर बंद है, अब टिकट नहीं मिलेगा। अब टिकट फुल हो चुका है, अब कल मिलेगा टिकट। अब हम अंदर का सीन तो आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, तो चलिए क्यों नहीं हम बाहर से आप लोग को दिखा दें। मेन गेट, मेन गेट से मुग़ल लोग अंदर जाया करते थे। इस लाल किला को बनाने में कितना कलाकारी, कितना मेहनत लगा है आप देख ही रहे होंगे। उस टाइम कितना पता नहीं वो लोग कौन से पत्थर से बनाया करते थे। तो चलिए आज हम लोग अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग को टिकट नहीं मिला है, इसलिए हम लोग फिर वापस जा रहे हैं, कहीं और आप लोग को घूमने को मिलेगा। क्योंकि आज हम अंदर, कल इसलिए हम नहीं आ सकते क्योंकि आज मेरा फिर से वापसी का ट्रेन है। अब हम वापसी घर जा रहे हैं, टिकट नहीं मिल पाया इसके कारण।